शर्मा जी, जब निकलते हैं दिल्ली से अगर पलवल के लिए, फरीदाबाद से पलवल के लिए, खासकर रात को, तो मैं कई बार देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा जाम होता है, जो दो पुल का काम चल रहा है। एक तो ये लोगों की समस्या है, काम स्पीड ढीली है इसकी। दूसरी बात ये कि एक सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट देख रहा था, और आपका भी था, कि एक गांव देवली और मांदकौल के पास एक और व्हीकल अंडरपास की जरूरत है, उस पर भी एक आंदोलन भी है, पंचायत भी है। तो एक तो ये बताएं हमारे दर्शकों को भी, और समझाएं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये इनॉग्रेशन के अंदर इसमें तीन कट हमने मांगे थे जी। एक तो देवली ततारपुर रोड है जो इस पे, एक बीच में और एक जनौली रोड पे जी। तो कंपनी वालों ने मिल करके उस कट को, जो देवली का कट था, उसको उठा करके नॉर्बीम से एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि बघोला से आधा पौना किलोमीटर आगे जा करके उस कंपनी के लिए स्पेशल बना दिया जी। मैं कल माननीय कृष्णपाल जी से मिला था, उन्होंने भी नितिन गडकरी को, देखो ये चिट्ठी कल की डेट में ही मैंने लिखवाई जी, और उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे जरूरी है। दिखाएं चिट्ठी एक बार ये लोगों। अब चुनाव भी नजदीक आ गया, टेकचंद शर्मा जी क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव की? जहां तक है संजय जी, मेरे तो चुनाव की 365 के 65 दिन तैयारी रहती है। तो इसके अंदर विकास के पथ पर अग्रसर रहा प्रथला विधानसभा क्षेत्र, ये लिख रहे हैं आप जी, हैं 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हुए। एक कांग्रेस के हमारे माननीय हैं, वो कहते हैं कि मैंने नौकरियां बहुत दी। भाई एक बात बताइए संजय जी, 90% वाले को हटा करके आप 70% वाले को नौकरी अगर दे रहे हो तो किसी का तो हक मार रहे हो आप। ठीक बात है। दूसरा, एक ने अपने बड़े बेटे की पुत्रवधु टीचर लगवा ली, छोटे की तहसीलदार लगवा ली, खुद ने अपने लिए एजेंसी ले ली, पेट्रोल पंप ले लिए और आड़त ले ली। जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं उन साथी से पूछना चाहता हूं, इनका एक्सप्लेनेशन जनता में दें, लोगों को बताएं कि भाई मैंने पब्लिक के लिए ये काम किया था। खाली बरगलाने से, खाली झूठ बोलने से ये राजनीति आगे नहीं चलने वाली। करोगे तो टिकोगे, और अगर नहीं करोगे तो ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों नमस्कार। चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगले 90 दिनों के अंदर 90 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारी में हैं, तो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता भी अपनी अलग तैयारियां कर रहे हैं। इन सबके बीच में जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल रहा था तो सीकरी में प्रथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा का कार्यालय है। टेकचंद शर्मा कार्यालय पर थे तो विचार हुआ कि उनसे मिल लिया जाए, और एक प्रमुख मुद्दा भी था आज बात करने का उनसे। मुद्दा ये कि जब आप चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से और जाते हैं मथुरा की तरफ, या फरीदाबाद से पलवल चलते हैं, तो गांव बघोला के पास इस समय दो अंडरपास का काम चल रहा है, दो पुल का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। लेकिन यहाँ की समस्या एक और भी है कि एक अंडरपास की यहाँ नितांत जरूरत और भी थी, जिसको लेकर के कल देवली और मांदकौल, इन बड़े गांवों के लोग पंचायत भी कर रहे हैं। यानी कि राजनीति के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे और जनता के मुद्दे, इन सबको लेकर के मैं मौजूद हूँ प्रथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर उनके साथ। शर्मा जी आपका स्वागत है देश रोजाना पर। धन्यवाद जी। शर्मा जी, जब निकलते हैं दिल्ली से अगर पलवल के लिए, फरीदाबाद से पलवल के लिए, खासकर रात को, तो मैं कई बार देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा जाम होता है, जो दो पुल का काम चल रहा है। एक तो ये लोगों की समस्या है, काम स्पीड ढीली है इसकी। दूसरी बात ये कि एक सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट देख रहा था, और आपका भी था, कि एक गांव देवली और मांदकौल के पास एक और व्हीकल अंडरपास की जरूरत है, उस पर भी एक आंदोलन भी है, पंचायत भी है। तो एक तो ये बताएं हमारे दर्शकों को भी, और समझाएं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये जनाब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक तो आपके चैनल ने, आपने ये जो पब्लिक की समस्या थी उसको उठाया जी। इस पुल के लिए जब मैं 14 से 19 MLA था, उस समय पे भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, विधानसभा में भी उठाया, गडकरी जी के भी पास गए, सब कुछ हुआ। ये पुल गलती से रह गया था, गलती अच्छा। से कहें या उसको डिले हो गया कई कारणों से। अब ये इसको माननीय कृष्णपाल जी के माध्यम से दोबारा से इसको लाया गया, और फिर ये उस टाइम पे इसका इनॉग्रेशन हुआ जी। इनॉग्रेशन के अंदर इसमें तीन कट हमने मांगे थे।
जी। एक तो देवली ततारपुर रोड है जो इस पे, एक बीच में और एक जनौली रोड पे जी। तो कंपनी वालों ने मिल करके उस कट को, जो देवली का कट था, उसको उठा करके नॉर्बीम से कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि बघोला से आधा पौना किलोमीटर आगे जा करके उस कंपनी के लिए स्पेशल बना दिया जी। अभी इलेक्शनों में भी ये मुद्दा उठा, हमने कृष्णपाल जी से पुनः कहा कि जिस टाइम पे इनॉग्रेशन हुआ था कि कृष्णपाल जी ये 20 गांवों का कम से कम यहां से निकास है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें बघोला, ततारपुर, देवली, मांदकोल, ककड़ीपुर, आपका जटोला, असावटी, इधर के साइड में ये जो है ना और गांव है, जैसे कटेसरा तक का आदमी इस पे आता है, और लगभग लगभग 50-60 हजार आदमी का डेली क्रॉसिंग होती है जी। अब इस देवली के पुल, देवली वाले रोड पे कट ना दे करके उसे करीब करीब कोई 500 मीटर आगे जा करके स्कूल के सामने दे दिया। अब जब भी कोई आदमी आएगा तो पहले देवली से आएगा, वो पहले इधर बघोला की तरफ जाएगा, फिर वापस मुड़ करके इधर जाएगा, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। हाँ, 1 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये, 1 किलोमीटर तो घूम ले, बाकी जो एक्सीडेंटल जो सिस्टम होगा टाइम से, जो बस है, जो स्कूल के बच्चे आते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं, पलवल से आएंगे वो, पलवल से या तो फिर थोड़ा से घूम करके आए, या फिर रॉन्ग साइड चल करके वहां से निकले, उस जब उसके सामने कट है तो वो कट जरूरी था, और कृष्णपाल जी ने माना भी। मैं कल माननीय कृष्णपाल जी से मिला था, उन्होंने भी नितिन गडकरी को, देखो ये चिट्ठी कल की डेट में ही मैंने लिखवाई जी, और उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे जरूरी है, दिखाएं चिट्ठी एक बार ये लोगों, ये पत्र दिखा रहे हैं टेकचंद शर्मा जी, कृष्णपाल गुर्जर जी का लिखा हुआ है, और उस पर 4 जुलाई 2024 की तारीख है, और इसमें उन्होंने लिखा है, मजमून तो काफी सारा है पत्र का, लेकिन सीधे लिखा है कि ये देवली मांदकोल के पास 20-25 अन्य गांववासी हैं, 50-60 हजार कर्मचारियों का आवागमन होता है, यहां पर पुल की जरूरत है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये पत्र लिखा कृष्णपाल गुर्जर जी ने टेकचंद शर्मा जी की संस्तुति पर जी। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, आज की डेट में हम पलवल भी जाते हैं, तो आप भी डेली आते हो, लगभग लगभग 1 घंटे का जाम रहता है। बिल्कुल, और वो 1 घंटे के लिए मैंने NHAI के डायरेक्टर हैं मिस्टर VK जोशी जी, उनसे बात किया, उन्होंने कहा हमें मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा, उनको भी कल हमने बहुत अच्छी तरह से टाइट किया है कि भाई मजिस्ट्रेट भी मिल गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मिल गया, इसके साथ जो सर्विस लेन बननी है जी, अगर वो सर्विस लेन बन जाती है तो बघोला के अंदर वो नई रोड बन जाए, जैसे उसका चौड़ा करके जो आपने देखा होगा दुकानें वगैरह मकान वगैरह, वो इंक्रोचमेंट में जो आ रहा था वो तोड़ दिया गया। अब उसको जानबूझ करके डिले इतना क्यों किया जा रहा है जबकि पब्लिक को इतनी परेशानी है। ठीक बात। कल इस विषय में हमने पूरे 20-22 गांवों की एक महापंचायत बुलाई है जी। कहां रखी है पंचायत? वहां वशिष्ठ वाटिका में जी, उसी पुल के साथ में, वशिष्ठ वाटिका देवली मांदकोल के इसी पुल के पास में। बिल्कुल, महापंचायत। और वहां हमने रिक्वेस्ट किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके जो हमारी जेन्युइन समस्या है जी, पहले तो हम पुल के लिए रोते रहे, अब उसके बावजूद जब पुल बनना शुरू हुआ तो कंपनी वालों ने वो एक बदमाशी कर दी। जब जिस दिन कृष्णपाल जी को हमने ये बात कही और उन्होंने इतना गुस्सा आया, उन्हें कहने लगे यार यहाँ नॉर्म बीम्स के वहां तो पुल का कोई जी, इस बात की जांच की मांग भी करोगे कि आखिर वो NHAI है या ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसका मिली भगत? 1000% इसकी हम कंप्लेंट भी की है, करेंगे भी अभी, कि जब वहां पे नॉर्म बीम्स के वहां पुल था ही नहीं जी, उन्होंने जाकर के वहां आधा पौना किलोमीटर गांव से आगे जाकर के बनाने की उसकी क्या आवश्यकता थी जी। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक नंबर वन। नंबर दो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये गांव ही एक ऐसा बचा था जहां पुल नहीं था, और पुल बनने के बाद यहां कई बहुत कम से कम सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं जी, बिल्कुल, और यहाँ बहुत से लोगों की जाने गई हैं। भाई इसको जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए हमने अपील की थी। दूसरा मुद्दा हमारा एक और भी था माननीय कृष्णपाल जी के सामने, कि कृष्णपाल जी एक मोहना में कट वाला इश्यू है, उसके लिए भी उन्होंने अगले हफ्ते में जी PSCM और डायरेक्टर NHAI और अन्य अधिकारियों की वो भी मीटिंग उन्होंने अपने दिल्ली आवास पे या दिल्ली कार्यालय में बुलाई है।
और उस अगले हफ्ते हम उसको भी सॉर्ट, यानी कि जिस पर मोहना वाला जो कट के लिए लोग धरने पे बैठे हुए लंबे टाइम से, उसको लेकर भी बिल्कुल। तो टेकचंद शर्मा जी प्रयासरत हैं उसके लिए भी, यानी कि जो लगभग लगभग मुझे लगता है कि एक साल से ज्यादा हो चुका वो धरना प्रदर्शन चलते हुए, लंबी बड़ी समस्या थी। और जी अब उसका अंतिम समय आ लिया है जी, अब जैसे सरकार बनी है एक महीना ही हुआ है, अब धीरे धीरे बीच में सेशन आ गया था कुछ ऐसा था, अब इस हफ्ते के अंदर भगवान ने चाहे तो जून जून के महीने जुलाई के अंदर ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो। जब समस्या होती है तो समाधान भी होता है, समाधान समय पर होता है, तो टेकचंद जी कह रहे हैं उसका भी समय आ चुका। खैर ये तो हो गई दो जन समस्याएं जिस पर आप काम कर रहे हैं, और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि जनता की समस्याएं उठाया जाना सबसे ज्यादा लाजिम है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। खैर अब चुनाव भी नजदीक आ गया, टेकचंद शर्मा जी क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव की? जहां तक है संजय जी मेरे तो चुनाव की 365 दिन तैयारी रहती है। सवेरे मैं 9 बजे ऑफिस आता हूँ, उसके बाद मैं 12-1 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ, और उसके बाद मैं इलाके में निकल जाता हूँ। डेली मैं 5-7-10 गांव में, मैं मेरा बेटा दिनेश और जो हमारे साथी हैं वो सब पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। अब तो चुनाव पूरा आ चुका है और हमने जो कार्य किए थे वो भी दुनिया को पता है। 19 में हमने चुनाव भी नहीं लड़ा, अब की बार हमारे समर्थकों ने, हमारे पार्टी ने, हमने सब ने मिलकर के सोचा है कि अब की बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि टेकचंद शर्मा ने पंचायती राजनीति से शुरू करके और विधानसभा तक का सफर तय किया। 2014 में विधायक बने थे, विधायक बनने के बाद में समर्थन दिया मनोहर लाल की सरकार को, बीजेपी सरकार को, और 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिला तो पार्टी की मदद की और पार्टी के साथ रहे। 2024 में क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो समाज नीति में हो, कि जो किया है उसका कुछ ना कुछ मिले। टेकचंद जी मैं एक पोस्टर और देख रहा हूँ, ये आप भी देखें इसको, कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र के हित के लिए लिखा है, जो कहा वो करके दिखाया, आगे जो कहूंगा करके दिखाऊंगा, आगे जो कहेंगे वो तो बाद में बात करेंगे, कभी दोबारा मिलेंगे तो पूछेंगे आगे क्या कहना है। तो इसके अंदर विकास के पथ पर अग्रसर रहा प्रथला विधानसभा क्षेत्र, ये लिख रहे हैं आप जी, हैं 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हुए। तो टेकचंद जी इन कार्यों का श्रेय, आप विधायक थे वो तो तय हुआ कि आपकी मेहनत थी, सरकार का, स्थानीय सांसद का और प्रशासन शासन का कैसा क्या क्या योगदान रहा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहें कि सरकार का कोई सहयोग नहीं था, अगर सरकार का सहयोग नहीं था ये काम कैसे होते, स्थानीय सांसद का वो नहीं था, सबके सहयोग से काम होते हैं जी। बाकी हमेशा अब करने को तो आज भी पिछले 2019 से 2024 तक वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी वही स्थिति है जैसे आप समर्थन दे रहे थे, अभी समर्थन दे रहे हैं वैसे समर्थन दे रहे हैं जी। बाकी एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब तक माँ, एक देहाती सी कहावत है, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं, एक कहावत और है देसी, जागते की झुटिया और सोते का झोटा, सोते का झोटा जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास करने चाहिए थे उस समय पे लिमिट से ज्यादा किए, और मैं तो एक चीज कहता हूं कि जब प्रयास करोगे तो परमात्मा उन चीजों को रोकता नहीं है जी। ये मैंने अपने व्यक्तिगत हित, या तो चला लो जी जी, या तो व्यक्तिगत हितों का फायदा कर लो या इलाके का फायदा कर लो। देखिए मैंने इसमें मुख्य मुख्य काम लिखे हैं, छोटे छोटे काम बहुत हुए हैं, जैसे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी थी, किसान भवन और ये मोहना मंडी बनवाना था, नर्सिंग डिग्री कॉलेज था, ये अपना हरफली में ये अपना सब स्टेशन था, गवर्नमेंट कॉलेज था मोहना में, रेनीवेल प्रोजेक्ट था जी जी। ये ग्राम पंचायतें अलग कराना, जैसे 6-6 स्कूल का अपग्रेड कराना, ये हर चीज का मैंने रिटर्न में दिया है जी। ये नहीं है कि लोग तो कहते हैं हमने विकास बहुत कराया, हम पूछना चाहते हैं भाई उन्होंने किसी, मेरे से पूर्व में भी एमएलए रहे, मेरे से बाद में भी एमएलए रहे जी। वो लोग कहते हैं कि विकास, मैंने जैसे पब्लिक के सामने ये चीज लिख के दी है, अगर इसमें मैं झूठा हूं तो बताएं, तो मेरे को बताएं। मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जी, देखिए अब की बार के विधायक हैं
और हमारे जैसे वही परिस्थितियां थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वही समर्थन हमने दिया, वही समर्थन दे रहे हैं जी। वही एमपी सांसद थे जी, मुख्यमंत्री भी वही थे, अब डेढ़ महीने से बदले हैं। बिल्कुल, तो परिस्थितियां तो चेंज हुई नहीं। उसके बावजूद वो जो करके लाए हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ वो भी अपना एक व्हाइट पेपर ठीक बात है, सभी को अपने काम का देखा जो चाहिए जनता। मैं कांग्रेस के विधायक रहे श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी जी, 5 साल उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने क्या किया, क्योंकि तीन ही विधायक बने और तीनों का कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है। बिल्कुल, और चौथा ये चुनाव है, उसके बाद डिलिमिटेशन हो जानी जी जी। अब की बार तो हम ये चाहते हैं कि जनता ये पता करके दे, यानी कि तीनों नेता एक बार एमएलए बन चुके, हाँ जी, तीनों नेता जनता के सामने आके बता दें कि हमने क्या क्या किया था, रिटर्न में दे तो और बढ़िया। मैं तो रिटर्न में चाहता हूँ कि कोई भी चीज उन्होंने किया है तो वो रिटर्न में बताएं जी जी जी, जिससे जनता पढ़े तो सही। ठीक बात है, बिल्कुल। और यहाँ ना जाति बिरादरी का इलेक्शन है, यहाँ ना क्षेत्रवाद का इलेक्शन है, यहाँ चेहरों का इलेक्शन है ज्यादातर बिठले में, और तीनों अलग कास्ट वाइज तो तीनों अलग अलग कास्ट के बन लिए, पार्टियों के हिसाब से भी मतलब जन अलग अलग बन लिए। और मैं आज आपके सामने संजय जी कह रहा हूँ कि अगला इलेक्शन होगा वो तीनों में बैठ करके जनता जनार्दन लास्ट इलेक्शन होगा पृथ्वी का, उसके बाद डिलिमिटेशन में और सीटें बढ़ेंगी, हाँ जो भी होगा, आगे का भी विकास का जो इनका एजेंडा है जी वो मैं लाऊंगा इलेक्शन के टाइम पे जी जी, उस टाइम पे बताऊंगा भाई ये मेरा तो एजेंडा विजन ये है, ये अपना विजन बना बता करके पिछले कार्य का विजन ने ये किया, एक लोगों के अंदर भ्रम वाली स्थिति पैदा करते हैं, नौकरियां दी। एक कांग्रेस के हमारे माननीय हैं, वो कहते हैं कि मैंने नौकरियां बहुत दी। भाई एक बात बताइए संजय जी, 90% वाले को हटा करके आप 70% वाले को नौकरी अगर दे रहे हो तो किसी का तो हक मार रहे हो आप। ठीक बात है। दूसरा, एक ने अपने बड़े बेटे की पुत्रवधू टीचर लगवा ली, छोटे की तहसीलदार लगवा ली, खुद ने अपने लिए एजेंसी ले ली, पेट्रोल पंप ले लिए और आदत ले ली। जो कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं उन साथी से पूछना चाहता हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन जनता में दें, लोगों को बताएं कि भाई मैंने पब्लिक के लिए ये काम किया था। खाली बरगलाने से, खाली झूठ बोलने से ये राजनीति आगे नहीं चलने वाली, करोगे तो टिकोगे और अगर नहीं करोगे तो ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। चुनाव जो होता है वो परीक्षा होती है, आपने 5 साल क्या किया जनता के लिए, आपने किस प्रकार की जनता के प्रति सुविधाएं, उनकी जनहितैषी कार्य ये क्या थे, क्या आपके मन में था, और जब मौका मिल जाता है सत्ता में आने का तो फिर आशाएं और उम्मीदें बढ़ जाती हैं। खैर अब एक बार फिर परीक्षा की घड़ी है, और टेकचंद जी तो कह रहे हैं कि जो परीक्षा में किया था वो सामने रख दिया, आगे जो अपना एजेंडा है वो भी बताएंगे, संभवतः आने वाले जो और कैंडिडेट्स हैं वो भी बताएंगे, प्रयास रहेगा कि आपको उन सबसे भी मिलवाएं। पहली बात तो वही कि जो टेकचंद शर्मा जी जो बता रहे हैं कि पंचायत के जो मामूली बात हुई वो महापंचायत एक सार्वजनिक मुद्दे को लेकर के है, तो उसके लिए आपने भी अपील की, हम भी अपील लोगों से कर देते हैं कि उस पंचायत में भागीदारी करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, कल 9 बजे वशिष्ठ वाटिका में बघोला के अंदर, यानी कि रविवार 7 जुलाई सुबह 9 बजे वशिष्ठ वाटिका बघोला, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके हमने कल ये भी करना है कि भाई अब मान ले मंत्री जी ने भी लिख के दे दिया, और अगर वो आगे इस पुल की कार्रवाई करने से पहले उस क्षेत्र का काम रोके जब तक ये अप्रूवल नहीं आ जाए जी। तो ये तो महापंचायत, और दूसरा चुनावी मुद्दे पर हमने आपसे बात की, चुनावी मुद्दे पर तो आपसे आगे ही बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद टेकचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।